5 दिन लगातार 24 घंटे काम, 800 कामगार और 75 किमी का चकाचक रास्ता तैयार। आप आश्चर्यचकित हो गए ना कि इतने कम समय में इतना बड़ा रास्ता कैसे तैयार होगा। ऐसा सवाल आपके मन में भी आया होगा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमरावती से मोतीजापुर का रास्ता विक्रमी समय तक तैयार किया जाएगा। इसके लिए 5 दिन 800 कामगार दिन रात काम करने वाले है। इस विक्रमी रास्ते के काम की शुरुआत हो चुकी है और 7 तारीख तक ये तैयार होने वाला है। इतने कम समय में ये रास्ता तैयार होना एक रिकॉर्ड ही होगा। इस वजह से इसकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के चांसेस है। इस पर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मंत्री राजीव अग्रवाल का कहना है कि क्योंकि पिछले कई सालों से इस रोड की प्रतीक्षा में थे लोग। नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं कि ये अमरावती से लेके अकोला के बीच की जो रोड थी उसका बहुत तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर तक इसका 95% काम खत्म करके सारी समस्याओं का यहाँ पे अंत कर देंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूस 9 मीटर की उसमें हम लोग 40 किलोमीटर तक पेविंग करेंगे। ये तकरीबन 110 घंटे तक चलेगी और उसको अगर 2 लेन में नापा जाएगा तो 75 किलोमीटर, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वें साल में हम लोग चल रहे हैं, तो 2 लेन में वो तकरीबन 75 किलोमीटर का हम लोग काम करेंगे बिना रुके हुए अनवरत। ये रात दिन ये काम चलेगा और इसके लिए गिनीज की टीम भी यहाँ पर है, उनकी तरफ से ऑडिटर्स भी यहाँ पर है, हमारे सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं। इसकी बहुत माइक्रो लेवल पे राजपथ के जो CMD है कदम साहब की तरफ से बहुत एकदम माइक्रो प्लानिंग की गई है, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। सारी मशीनरीज जितनी भी यहाँ लगने वाली है उनकी टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। पूरे घटनाक्रम को उसको क्या कहते हैं ड्रोन से और फोटोग्राफी से शूट किया जाना है, उसके बाद इस ऑफिशियल एंट्री में अगर हम लोग सक्सीड होते हैं जैसे कि हम लोगों का प्लान है तो ये भारत में पहला इस तरीके का अपना रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और इसके लिए स्पेशली मैं राजपथ CMD और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है कितने कम समय में ये मानते हुए कि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ एक अलग से एक इवेंट करें, उन्होंने गिनीज बुक के साथ पूरा टाई अप करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कितने वर्कर तकरीबन इसमें 400 वर्कर पूरे घंटे लगे रहेंगे। हमारे यहाँ टोटल 800 के करीब स्ट्रेंथ है जो लोग शिफ्ट पे आते जाएंगे और काम करते जाएंगे अलग अलग जगहों पे, प्लांट्स पे या मशीनरी पे, पेवर पे, सब जगह जो है जो लोग काम करते रहे। क्वालिटी को लेके यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में सुपरविजन कंसल्टेंट जो है, जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं प्लांट पे भी और पेवर के लेइंग के बाद भी, उन सब के लिए यहाँ पे टीम लीडर हैं, उनकी टीम है पूरी और 2-2 लैब्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं ये कंटिन्यूस इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी। देखिए ऐसा है कि प्रलंबित क्यों था ये आप सब लोगों को मालूम है, और सारी समस्याएं आती हैं इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। ये पहले प्रोजेक्ट BOT पे दिया गया था लेकिन उस समय BOT कंसेशनर वायबल नहीं हुआ, तो उसके बाद में दूसरे को ILFS को ये दिया गया, लेकिन ILFS का आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा कि काफ़ी सारा पैसा उनके साथ बैंक का जितना भी सिस्टम शुरू हुआ उसकी वजह से वो कंपनी जो है ऑलमोस्ट दिवालिया हो गई। तो ये मजबूरन हम लोगों को इस काम को तीसरी बार अवार्ड करना पड़ा। पहले ये 200 किलोमीटर का काम था जिसको हमने 4 पैकेज में अलग अलग अवार्ड किया। अब ये काम जो है प्रगति पे है, ऑलरेडी 40% की प्रगति इस वाले पैकेज में हो चुकी है। आगे वाले दो प्रोजेक्ट पे जो अकोला से चिखली है उनकी 70% जो है वो हो चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि हम जो है दिसंबर तक 3 प्रोजेक्ट आपको 100% दे पाएंगे और 1 प्रोजेक्ट 90-95% दे पाएंगे। अभी भी आप देखें तो यहाँ से अकोला जाने के लिए जो पहले 3-3.5 घंटे का समय लगता था अब लोग 1.5 घंटे में आना शुरू हो गए हैं, और ये रोड जैसे जैसे बनती चली जा रही है हम लोग तत्काल ट्रैफिक के लिए खुलते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको 2-3 महीने में बहुत ज्यादा ईज दिखाई देने लगेगी। या आव्हानाचा शिवधनुष्य पेलला आहे ते राजपथ इन्फ्रोकॉन कंपनीने। खरं तर राजपथ इन्फ्राकॉन या आमच्या कंपनीला नॅशनल हायवेचं हे काम मिळालं। मागच्या वर्षी जुलैमध्ये आम्हाला याची अपॉइंटमेंट डेट मिळाली, पाऊस होता आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे, त्यामुळे आम्ही हे काम डिसेंबरमध्ये चालू केलं।
आणि काहीतरी वेगळं एक चांगलं काम करून दाखवूया, कारण की इथे आल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की जवळपास 9-10 वर्षांपासून या रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे. कारण काही असतील, ती नैसर्गिक असतील किंवा आपल्या हाताच्या बाहेरची असतील, पण याच्यामुळे लोकांना, इथल्या स्थानिकांना खूप मोठा प्रॉब्लेम वाहतुकीच्या दरम्यानच्या या सगळ्या रस्त्यांमुळे, रस्त्यातल्या खड्ड्यांमुळे होत होता. म्हणून आम्ही असं ठरवलं की या रस्त्याचं परिवर्तन काम करताना अशा पद्धतीचा एक काहीतरी संकल्प आपण राजपथच्या वतीने NHAI च्या मार्गदर्शनाखाली करूया. आणि ती संधी आम्हाला मिळाली, कारण असं झालं की आपल्या या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी गतिशक्ती या संकल्पनेतून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटमध्ये खूप मोठी गुंतवणूक सरकारने करायचं असं ठरवलं. आणि त्यात विशेष करून रोड सेक्टरला ही मोठी गुंतवणूक जास्त मोठ्या प्रमाणात येणार होती. आणि त्यातले आपले कार्यक्षम मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ज्यावेळेला या कामांची सुरुवात झाली त्यावेळेला आम्ही असा विचार केला की आपण हे आत्ताचं वर्ष आपल्या सगळ्या भारतवासियांसाठी अतिशय महत्वाचं वर्ष असं मी मानतो. कारण आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष, आणि म्हणून 75च्या निमित्ताने आझादी का अमृत महोत्सव हा जो महोत्सव सगळ्या देशभर मनवला जातोय, तर त्या महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण असं काही काम करून दाखवूया. म्हणून शोध सुरू केल्यानंतर लक्षात असं आलं की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, गिनीजचं नाव आपण सगळेजण जाणतो आहोत, गिनीजच्या बरोबर ती असोसिएट होऊन त्यांचे इतके स्ट्रिंजंट नॉर्म्स असतात, कायदे आणि रूल्स असतात, त्याला प्रत्यक्षात उतरून हे काम करणं, पण हे आव्हान आम्ही स्वीकारलं. आणि 4 महिन्यांपासून गिनीज बरोबर ती चर्चा चाललेली होती, त्याला मान्यता मागच्या महिन्यामध्ये दिली त्यांनी, आणि त्याच्यात ती माहिती घेतल्यानंतर असं लक्षात आलं की याच्या अगोदरच गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड जे सलग बिटुमिनस कॉन्क्रीट टाकण्याचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड हे कतार देशामध्ये दोहामध्ये कतारच्या ऑफिशियल, इथे जशी PWD असते तशी त्यांची ऑफिशियल जी सरकारी कंपनी आहे त्या कंपनीने केलेलं होतं. इस तरह से देश के सभी सड़कों को बनाया गया तो देश की प्रगति जल्दी होगी और लोगों का सफर सुखदायक होगा. आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी. तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. मेरे ऐसे ही बेहतरीन और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ. तब तक धन्यवाद.